नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको एक अलग विषय के ऊपर चर्चा करने आया हूं जिसका ज्योतिष शास्त्र से कोई लेन देन नहीं है और वो है टाइगर स्टोन। टाइगर स्टोन को और भी तीन चार नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि टाइगर आई, चीता टाइगर, बागमणि, समुद्री लसुनिया, ये सारे नामों से टाइगर को बुलाया जाता है। टाइगर जो रत्न है इसके अंदर पीला और काला ये दो कलर होते हैं और इसमें कुछ धारियां होती हैं और ये बड़ा सस्ता रत्न है, 100 रुपए से 200 रुपए के अंदर आ जाता है और ये कोई भी पहन सकता है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो वो भी इसे लेके पहन सकता है। अभी हम लोग जानेंगे ये रत्न किन लोगों को पहनना चाहिए। तो जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो, विल पावर की कमी हो, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो, हर बात में नेगेटिव अप्रोच आता हो, उन लोगों के लिए टाइगर स्टोन पहनना बहुत ही लाभकारी साबित होता है। प्रिय दर्शकों, हमारे पास काफी मां बाप आके कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ही आलसी हो गया है और सुस्त हो गया है, उन लोगों के लिए भी टाइगर का रत्न लाभकारी होगा। काफी मां बाप हमारे पास आके कहते हैं कि पंडित जी मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार है लेकिन एग्जाम के अंदर वो ठीक ढंग से एक्सपोज नहीं कर पाता है, यानी कि जो पढ़ा है उसे ठीक ढंग से लिख नहीं पाता। तो उन लोगों के विल पावर को बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी टाइगर का रत्न पहनना लाभकारी साबित होता है। काफी बच्चे ऐसे भी हैं कि जो अच्छे कलाकार होते हैं, अच्छे डांसर होते हैं, अच्छे सिंगर होते हैं, कोई भी अच्छा वाजिंत्र बजा पाते हैं, कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा पाते हैं, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है, जब स्टेज पे जाना होता है, जब उन्हें उनको अपनी कला का प्रदर्शन करना होता है, तभी उन लोगों का डर उन पे हावी हो जाता है और वो ठीक ढंग से अपनी कला को पेश नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो उन लोगों के लिए भी टाइगर का रत्न पहनना बहुत लाभकारी साबित होता है। काफी बड़े इंसान भी मैंने से देखे हैं कि जो डरपोक होते हैं, जैसे कि उनको ट्रेन में सफर करना है तो उनके मन में ख्याल आता है ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो, मैं प्लेन की यात्रा कर रहा हूं और प्लेन क्रैश हो गया तो, मैं शिप में जा रहा हूं, क्रूज में जा रहा हूं और शिप डूब गया तो, और ये डर के वजह से वो काफी उदास, हताश, निराश हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी टाइगर का रत्न पहनना लाभकारी साबित होता है। काफी बार मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं और उनके कलीग के ऊपर उनका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन ठीक से बोल नहीं पाते या फिर अपने विचार ठीक ढंग से प्रकट नहीं कर पाते, जिसके वजह से उनके बॉस के ऊपर उनका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, उनका बॉस उन्हें अंडर एस्टिमेट समझता है, उनके कलीग भी उनको अंडर एस्टिमेट समझते हैं। तो उन लोगों को भी मैं टाइगर का रत्न पहनने की सलाह देता हूं कि टाइगर का रत्न पहनने से आप काफी कॉन्फिडेंट होते हैं, आप दृढ़ निश्चय बनते हैं, आपके विल पावर की वृद्धि होती है और आप अपने आप को ठीक ढंग से पेश कर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी हम जानेंगे कि टाइगर का रत्न किस में पहनना चाहिए और कहां पहनना चाहिए। तो टाइगर का रत्न चांदी की अंगूठी में पहनना चाहिए या फिर चांदी के पेंडल में पहनना चाहिए, चांदी के ब्रेसलेट में पहनना चाहिए, अंगली कौन सी होनी चाहिए? तो मैं कहूंगा कि पहली अंगली और तीसरी अंगली, ये दोनों अंगली में आप टाइगर स्टोन को धारण कर सकते हो या फिर हाथ के अंदर ब्रेसलेट के अंदर पहन सकते हो, गले के अंदर, लॉकेट के अंदर भी पहन सकते हो। अभी प्रश्न आता है कितने वजन का होना चाहिए, तो कम से कम 5 कैरेट का होना चाहिए, ज्यादा में ज्यादा आप 11 कैरेट तक भी टाइगर का रत्न पहन सकते हो। प्रिय दर्शकों, टाइगर का रत्न सिर्फ पहनना, उससे और एक स्टेप अंदर जाके मैं कहूंगा कि उसके ऊपर कोई देवी देवताओं की सिद्धि करके पहना जाए तो वो और ज्यादा फायदेमंद होगा। जैसे कि मान लो हनुमान चालीसा किसी को आती हो तो उसके ऊपर 108 हनुमान चालीसा मंत्र बोले,
हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद उसे आप मंगलवार के दिन पहनो तो भी आपको बहुत लाभ होगा। तंत्र विद्या के बारे में अगर आपने सुना होगा तो तंत्र विद्या में आठवें नंबर की देवी है माता बगलामुखी। अगर उसका मंत्र आता है तो उसका मंत्र उसके पर 21,000 बार करके वो रत्न को आप पहन सकते हैं। अगर पूरा मंत्र नहीं आता है तो उसका छोटा सा बीज मंत्र मैं आपको बोलता हूं, ओम लिम बगलामुखिये नमः, ओम लिम बगलामुखिये नमः। ये मंत्र का 11,000 या 21,000 जाप करें और आप उसे मंगलवार के दिन अगर पहने तो आपके अंदर का डर दूर होगा, आपके अंदर का कंफ्यूजन दूर होगा, आपका विल पावर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल और मजबूत होगा, आप सही वक्त पे सही तरह से अपने आप को पेश कर पाओगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्विक डिसीजन प्रॉम्प्ट एक्शन, यानी आप सही जगह पे सही ढंग से अपने आप को पेश कर पाओगे। और आखिरी बात मैं कहूंगा कि इस रत्न का ज्योतिष शास्त्र से कोई लेन देन नहीं है, कोई धर्म से इसका लेन देन नहीं है, यह सिर्फ 84 रत्नों में से एक रत्न है जो टाइगर के जैसी ताकत, टाइगर के जैसा दृढ़ निश्चय, विल पावर आपको देता है। इसलिए इसका कलर भी कैसा है, देखो बंगाली टाइगर जो होता है उसकी स्किन के जैसा इसका कलर होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चीते की आंख के जैसा दिखता है। तो प्रिय दर्शकों, टाइगर रत्न ये 84 रत्नों में से एक है और डर भगाने के लिए, आलस दूर करने के लिए, विल पावर को बढ़ाने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा माना है। और ये भी मैं कहूंगा, जो बच्चे बहुत ही सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, छोटी छोटी बातों में रो पड़ते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, निराश हताश हो जाते हो, उनके लिए भी टाइगर का रत्न पहनना लाभकारी साबित होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।